गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 13 द मैजिक पॉट स्टडी किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से वो किंग जो होता है उसकी क्यूरियोसिटी की वजह से उसकी जान से हाथ धो बैठता है, मतलब उसकी जान चली जाती है, वो मैजिक पॉट में चला जाता है, उससे 100 किंग्स आ जाते हैं और आपस में लड़ लड़के वो मर जाते हैं। तो ये हमने पढ़ा था। उसके बाद मैंने आपको वर्ड मीनिंग होमवर्क में करने के लिए दिए थे। आई होप आप सभी ने ये होमवर्क कंप्लीट किया होगा। ओके, आज हम करेंगे इसकी बुक एक्सरसाइज। सो फर्स्ट टेक आउट योर इंग्लिश बुक एंड ओपन पेज नंबर 76 पेज नंबर आपको ओपन करना है, देन मेंशन डेट एंड डे। सभी ने कर लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे बुक एक्सरसाइज। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपको राइट टिक करना है। फर्स्ट, वन आफ्टरनून द पुअर फार्मर वॉज डिगिंग हिज। वन आफ्टरनून मतलब एक दिन दोपहर में, एक दिन में है ना, दोपहर में द पुअर फार्मर जो गरीब किसान था वॉज डिगिंग हिज, वो खुदाई कर रहा था। डिगिंग मतलब खुदाई करना। किसकी खुदाई कर रहा था? लैंड की, जमीन की, वेल की, कुएं की या हाउस की, घर की। तो किसकी खुदाई कर रहा था वो पुअर फार्मर जो था? लैंड की खुदाई, जमीन की खुदाई वो कर रहा था। तो लैंड के आगे हमको राइट टिक करना है। ओके, कर लिया सभी ने। नेक्स्ट अब हम करेंगे सेकंड, द फार्मर कंटिन्यूड डिगिंग एंड फाउंड अ। फार्मर मतलब किसान, कंटिन्यू मतलब लगातार है ना। तो उसने क्या करा, उसकी जो खुदाई है वो जारी रखी और उसे क्या मिला? एक वुडन पॉट मिला। कंटिन्यू मतलब कि लगातार खुदाई कर रहा था तो उसे क्या मिला? फाउंड मतलब मिलना है ना, वुडन पॉट मिला था, लकड़ी का पॉट, मेटल का पॉट मिला था या अर्थन मिट्टी का पॉट। कौन सा पॉट मिला था? मेटल का पॉट। कौन सा पॉट मिला था उसको? मेटल का पॉट मिला था। तो हम यहाँ पे राइट टिक करेंगे कि उस फार्मर को एक मेटल का पॉट मिला था खुदाई करने के दौरान है ना। थर्ड, ही थ्रू द ब्लैंक इनटू द पॉट इन फ्रस्ट्रेशन है ना। जो थ्रू द है ना, थ्रू मतलब होता है फेंकना। उसने पॉट में फेंक दिया था, गुस्सा आ गया ना, फ्रस्ट्रेशन में फ्रस्ट्रेट होकर उसने पॉट में क्या फेंका था? क्लॉथ फेंके थे, स्पैट फेंका था या वुड फेंकी थी? क्लॉथ मतलब कपड़े, स्पैट मतलब फावड़ा जिससे वो काम कर रहा था, और वुड मतलब लकड़ी। जैसे वो खुदाई करे जा रहा था, उसने सोचा था शायद हो सकता है मेरे काम की और कोई चीज़ मिले, तो उसने वो खोदा जा रहा पर कुछ नहीं मिला, तो वो फ्रस्ट्रेट हो गया था। और फ्रस्ट्रेट होकर उसने उसका फावड़ा किस में डाल दिया था? पोट में डाल दिया। तो ही थ्रू द स्पेट इन टू द पोट इन फ्रस्ट्रेशन। उसने जो फावड़ा था वो किसमें डाल दिया था? पोट में डाल दिया था, उसकी फ्रस्ट्रेशन में। फोर्थ, द किंग फेल इनसाइड द। जो किंग था वो किसमें गिर गया था? पोट में गिरा था, वाटर में, पानी में गिरा था, वेल में, कुएं में गिरा था। किसमें गिरा था वो किंग? पोट, जो पोट मैजिक पोट था ना उसमें गिरा था। तो पोट के आगे टिक करेंगे, आपको भी करना है ये। फिफ्थ, ऑल द किंग्स देन स्टार्टेड टू क्लाइंब द, है ना। जो जितने भी राजा जो हुए थे, यानी कि स्पोर्ट में गिरने के बाद 100 किंग्स हो गए थे है ना, तो फिर वो जो क्या करने लग गए थे, कहाँ पे क्लाइंब करने लग गए थे, कहाँ चढ़ने लग गए थे? ट्री पे, पोट पे, पेड़ पे या फिर बर्तन पे या थ्रोन, सिंहासन पे। किसमें बैठने के लिए वो लड़ रहे थे? सिंहासन पे बैठने की, मैं राजा बनूंगा, सब इसीलिए लड़ने लग गए थे। ठीक है, तो ये हमारा हुआ टिक द करेक्ट। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। तो आप सभी को यहाँ पे देखना है, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, फर्स्ट, द वॉज बिग इनफ टू बॉइल राइस द फॉर मोर देन 100 पीपल। क्या चीज़ थी जो इतनी बिग थी कि इसमें 100 पीपल का जो है राइस बन सकता है? पोट है ना। द पोट वॉज बिग, पोट इतना बड़ा था कि उसमें 100 लोगों के लिए जो है चावल बना सकते थे। सेकेंड, ही सेट अंडर अ टू रेस्ट फॉर अ वाइल। कुछ क्षण के लिए वो किसके नीचे बैठा रेस्ट करने के लिए? ट्री, यानी कि कुछ देर वो ट्री के नीचे बैठ गया ताकि वो रेस्ट कर सके है ना। तो ये आपको फिल करना है। थर्ड, ही यूज्ड द मैजिकल पॉट सेवरल टाइम्स एंड बिकम अ रिच मैन। उसने उस मैजिकल पॉट का बहुत बार यूज किया और वो एक अमीर आदमी बन गया। रिच मैन मतलब अमीर आदमी बन गया। ठीक है, फोर्थ, द किंग वॉज क्यूरियस टू नो अबाउट द मैजिकल पॉट। जो राजा था ना, क्यूरियस मतलब तो उत्साहित होना है ना, वो उस मैजिकल पॉट के बारे में जानने के लिए, उस जादुई मटके के बारे में जानने के लिए वो बहुत उत्साहित था। कौन था उत्साहित? राजा था। ठीक है, फिफ्थ, ऑल द किंग्स देन स्टार्टेड टू क्लाइंब द थ्रोन।
तो जितने भी राजा थे यानी कि उस पोर्ट में गिरने के बाद 100 किंग हो गए थे, तो वो 100 किंग ने स्टार्ट किया क्लाइंब करना, कहाँ पे चढ़ना स्टार्ट किया, थ्रोन पे यानी कि सिंहासन पे। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। एडजेक्टिव्स रेगुलर ई आर एंड इरेगुलर ई आर फॉर्म, तो ये आप एडजेक्टिव पढ़ेंगे ई आर और ये ई आर वाले फॉर्म में हम पढ़ेंगे। व्हेन वी मेक कंपेरिजन बिटवीन टू नाउन्स वी एड ई आर टू द एडजेक्टिव, वी ऑल्सो यूज देन आफ्टर द ई आर फ्रॉम द ऑफ द एडजेक्टिव्स। देखो जब भी कंपेरिजन टू थिंग में होता है यानी कि दो चीज़ों में जब भी कंपेरिजन होता है तो हम किसका यूज करते हैं, ई आर का। इरेगुलर फॉर्म पढ़ेंगे, रेगुलर और इरेगुलर दोनों फॉर्म पढ़ेंगे हम। तो जब भी हम कंपेरिजन टू थिंग्स में करते हैं तो यूज़ होता है ई आर का, ठीक है। रेगुलर ई आर फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स, रेगुलर जो कि ई आर फॉर्म में ही होता है, जैसे कि ब्लैक ब्लैकर, बोल्ड बोल्डर, क्लीन क्लीनर, रिच रिचर, शॉर्ट शॉर्टर, वीक और वीकर। इरेगुलर फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव मतलब इरेगुलर जो कुछ भी हो सकता है ना, बिजी बिजियर। अब इसमें क्या यूज़ किया देखो, बिजी बिजियर, रेड रेडर, लेजी लेजियर, वेट वेटर, मैड मैडर, प्योर प्योरर। नाउ राइट द ई आर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स, ये आपको ई आर फॉर्म दे रखी, सारी ई आर फॉर्म ही दे रखी, रेगुलर ई आर एंड इरेगुलर ई आर। क्या दे रखी, एक तो रेगुलर ई आर और इरेगुलर, ये तो है रेगुलर, हमेशा इसमें ई आर ही होगा, ये इरेगुलर है, ठीक है। तो बिजी बिजियर, टॉल टॉलर, स्मॉल स्मॉलर, रेड रेडर, पुअर पुअरर, ब्रेव ब्रेवर, बोल्ड बॉर्डर बोल्डर, हैवी हैवियर। इस तरह से आपको ये फॉर्म है। नाउ राइट द ई आर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स, ये आपको ई आर फॉर्म में, जैसे कि हमने यहाँ सीखा है ना, एक तो रेगुलर होती है एक इरेगुलर होती है, ठीक है। तो जब टू थिंग्स में व्हेन द मेक कंपेरिजन बिटवीन टू नाउन्स, जब टू नाउन्स में कंपेरिजन होता है तो अपन ई आर यूज कर ई आर में एड कर देते हैं। वी ऑल्सो यूज देन आफ्टर द ई आर फ्रॉम द फ्रॉम ऑफ एडजेक्टिव्स, है ना, एडजेक्टिव्स से जो हमें ई आर एड करके उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम प्रोनाउंसिएशन स्किल्स में देखेंगे, आपको जो है रीड करना है मेरे साथ साथ। पी आर और सी आर साउंड, कौन सा साउंड पढ़ेंगे हम, पी आर एंड सी आर। लिसन एंड स्पीक दिस वर्ड्स अलाउड विथ योर टीचर, आपको मेरे साथ साथ ये वर्ड्स बोलने हैं। पी आर प्रिंस, पी आर आई एन सी ई प्रिंस, प्रिंस मीन्स राजा होता है ना। पी आर ए वाई प्रे, पी आर आई जेड ई प्राइस, पी आर आई एन टी प्रिंट, पी आर ओ बी एल ई एम प्रॉब्लम, पी आर आई डी ई प्राइड, ओके। तो ये एक बार आप मेरे साथ फिर पढ़ेंगे, प्रिंस प्रिंट प्रे प्रॉब्लम प्राइस प्राइड, ओके। देन सी आर, सी आर वाई क्राई, सी आर ओ डबल एस क्रॉस, सी आर ए वाई ओ एन क्रेन, सी आर ओ डब्ल्यू एन क्राउन, सी आर आई बी क्रीप और क्रेन। एक बार हम फिर से पढ़ेंगे, क्राई क्रॉस क्रेन क्राउन क्रीप एंड क्रेन, ओके। लिसन टू द स्टोरी ऑफ थ्रस्टी क्रो केयरफुली एंड नंबर द सेंटेंसेस इन देयर करेक्ट ऑर्डर, जैसे कि हम सभी ने थ्रस्टी क्रो जो है स्टोरी पढ़ चुके हैं हम सभी, तो आपको इसको ये नंबर जो है इसमें अरेंज करना है। ए क्रो वॉज थ्रस्टी, द क्रो फ्लू फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ वाटर, ही कॉट साइट ऑफ अ पिचर ऑन द ग्राउंड, ही ट्राइड हिज बेस्ट टू ड्रिंक द वाटर, सडनली एन आइडिया केम टू हिज माइंड, द लेवल ऑफ वाटर रोज अप, ही पिक्ड द पेबल्स वन बाय वन एंड ड्रॉप देम इन टू द पिचर, ही फ्लू डाउन एंड पर्स्ड ऑन इट्स एज। तो ये जो बच्चों दे रखा है आपको, एक जंबल दे रखा है, मतलब इधर उल्टा सुलटा दे रखा है, और आपको उसको प्रॉपर करना है। जैसे फर्स्ट क्या था, ए क्रो वॉज थ्रस्टी, सेकंड ये थ्रस्टी था, उसके बाद उसने क्या किया, द क्रो फ्लू फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ वाटर, वो जो है प्लेस टू प्लेस गया पानी की तलाश में। ही कॉट साइट ऑफ अ पिक्चर ऑन द ग्राउंड, है ना, उसको क्या मिला, पिक्चर मिला कहाँ पे, ग्राउंड में। तो ये थर्ड नंबर तक तो अरेंज है, अब जो हमारा फोर्थ नंबर है वो यहाँ है, ही फ्लू डाउन एंड पर्स्ड ऑन इट एज, है ना, फ्लू हुआ और वहाँ पे एज पे गया, वो पर्च किया उसने एज पे।
इसके बाद फिफ्थ नंबर पे ये है, ही ट्राइड हिज बेस्ट टू ड्रिंक द वाटर, पानी पीने के लिए उसका जो भी बेस्ट एफर्ट था उसने किया, ट्राई किया। उसके बाद सिक्स पे भी अपना रेंज है, सडनली एन आइडिया केम टू हिज माइंड, फिर उसके माइंड में एक आइडिया आया अचानक से। फिर इसके बाद सेवन नंबर जो है ये है, ही पिक्ड द पेबल्स, आइडिया आने के क्या आइडिया है उसके, उसने पेबल्स लिए वन बाय वन एंड ड्रॉप किया उस पिक्चर में। उसके बाद क्या होता है, द लेवल ऑफ वाटर रोज अप, एट नंबर पे ये है, ये हमारा स्टोरी कंप्लीट। उसने पानी पिया है ना, लेवल आया ऊपर, उसने पानी पी लिया। लेट अस टॉक, एनेक्ट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन इन पेयर्स, आंटी रोजी हैव सम डेजर्ट जॉन, जॉन को कहती है कुछ डेजर्ट ले लो तुम, जॉन थैंक यू टेस्टी इट, थैंक यू बट टेस्टी, आंटी रोजी बोलती डू यू लाइक इट, क्या आपको ये पसंद है, जॉन ओ इट्स वेरी टेस्टी, हाँ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, आंटी रोजी डू यू वॉन्ट सम मोर, जॉन क्या तुम्हें और चाहिए, कि तुम और खाना चाहते हो, जॉन थैंक्स आई वुड लव टू ईट सम मोर, थैंक यू मुझे मैं और कुछ खाना, थोड़ा और खाना पसंद करूँगा। वॉट डू यू कॉल दिस डेजर्ट आंटी रोजी, आप इस डेजर्ट को आप क्या बोलते हो, आंटी रोजी इट इज़ अ पुडिंग, क्या बोलेंगे इसको अपन, इट इज़ अ पुडिंग स्टोरी।